उत्तर प्रदेश के नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। जेवर में निर्माणाधीन देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थापित होने वाली इंटरनेशनल फिल्म सिटी के पहले चरण का कंसेशन एग्रीमेंट गुरुवार को हुआ। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की कंपनी बेव्यू प्रोजेक्ट और भूटानी ग्रुप की कंसोर्टियम के बीच एग्रीमेंट साइन हो गया है। यमुना अथॉरिटी के कार्यालय में आयोजित कंसेशन एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी में पहुंचे देश के जाने माने फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने कहा है कि अगले 4 महीने में वह फिल्म सिटी का निर्माण कार्य शुरू करा देंगे। 4-5 महीने में कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे स्टूडियो का। हालांकि हमको टाइम है 6 महीने का, कोशिश ये है कि 4-5 महीने शुरू कर ले, उसके बाद 3 साल के अंदर हमको पूरा वर्किंग में ले आना है, पूरा वर्किंग में ले आएंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि भैया इसमें हम फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लाने की कोशिश। फिल्म सिटी की बात करें या नो एंट्री में एंट्री की बात, दोनों की हाँ, तो नो एंट्री में एंट्री आपको क्या सवाल क्या था? जैसा अगर हमारी कोशिश है कि इधर जितने जल्दी एक फ्लोर बन जाए, शुरुआत हो जाए, तो इधर आके कर लेंगे। मतलब 3 साल के पहले, मतलब मेरी कुछ मेरे को लगेगा 1.5 साल हो सकता है, 15 महीने बाद हो सकता है, 16 महीने बाद हो सकता है, 18 महीने बाद। ठीक है सर, थैंक यू। पहले काम कर, मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी इंटेंशन बता रहा हूँ और नीयत बता रहा हूँ। आज देखिए स्टूडियो का काम भी शुरू होगा, मेरी फिल्म भी शुरू होगी, हो सकता है पिक्चर तो मेरा जो 18 महीने के अंदर पिक्चर बन दी, तो अगर मैं एक फ्लोर भी बना तो इधर शूटिंग करूँ ताकि लगे कि हाँ कोई फिल्म शूटिंग का आरंभ हो गया। मतलब एक पार्ट एक सेट इधर लगाऊंगा ताकि विच विल गिव अ सिग्नल टू द वर्ल्ड दैट दिस फिल्म सिटी हैज कमेंस। सर मूवी का नाम भी अनाउंस कर रहे हैं वाली के जिसकी शूटिंग होगी। नो एंट्री में एंट्री, ये रामोजी देखिए इसका जवाब मैं दूं अगर आप। सर इन्होंने जो कामयाब था, इनकी जो कामयाबी भी करवा रहे थे देखिए यमुना प्राचल उत्तर प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश की निवासियों के लिए सबसे बड़ा दिन है। हम भी उसी कड़ी में उसके स्टेक होल्डर्स हैं। ये पूरा इलाका गौतम बुद्ध नगर से लेकर के बलिया से लेकर के हमारा जो बिजनौर तक है, जो पूरा उत्तर प्रदेश है, उसके लिए आज बहुत बड़ा दिन है और हम उसमें एक अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए हम सब लोग आज बहुत ही प्रसन्न हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुझे याद है आज से 2.5 साल पहले एक दिन ये सूचना मिली कि तीनों अथॉरिटी जो है आकर के फिल्म सिटी की फिल्म बंधु की बैठक हो रही है और सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े हुए हैं मुंबई से और जानना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई फिल्म सिटी बनाई जाए तो कहाँ बनाई जाए, उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटी है और कैसे बनाई जाए। तो हम सभी अथॉरिटी के सारे लोग गए, सब ने अपने अपने प्रस्तुतिकरण किए और पूरा पूरा फिल्म उद्योग उससे जुड़ा हुआ था, सारे प्रोड्यूसर हीरो हीरोइन डायरेक्टर सब। तो हमने जब बताया कि जेवर एयरपोर्ट हम ला रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि आगे चल करके 2 से 25 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी का होगा, 6 पैरेलल रनवे होंगे, दुनिया का 3रा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, साथ ही साथ उसकी कनेक्टिविटी जो है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी होगी, अमृतसर कलकत्ता लाइन से भी होगी, रेल कनेक्टिविटी भी होगी, रैपिड रेल कनेक्टिविटी होगी, उसी रैपिड रेल पर मेट्रो भी चलेगी, LRT भी होगी, पार्ट टैक्सी भी। उस समय हम लोगों का कंसेप्ट था पार्ट टैक्सी के बारे में बताया तो सब लोगों ने कहा कि बाप कुछ मत बताइए, अब रुक जाइए, जितने लोग उससे जुड़े हुए थे, अब हमको यही बनाना, फिल्म सिटी यही फिल्म सिटी बनेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय घोषणा की यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 का ये जो प्रेजेंटेशन है यहीं पर फिल्म सिटी बनाई जाएगी, इसके लिए आप लोग कार्रवाई शुरू करिए। तो ये उस विजन के साथ शुरू हुआ और जो अभी बार बार कहा गया कि जो कनेक्टिविटी है वो की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रोड हो, चाहे पार्ट टैक्सी हो। एक बार ये इलाका पूरा रैपिड ऐसा ऐसा बन रहा है कि जहाँ भारतीय रेल भी आ रही है और रैपिड रेल भी आ रही है और
मेट्रो भी आ रही है, आरबी ट्रेल भी आ रहा है, एनसीआरपीबी की योजना है, जेवर में आरबी ट्रेल भी आ रहा है। आरबी ट्रेल से क्या होगा कि जो बाहर का सारा हिस्सा है दिल्ली का जुड़ जाएगा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस भी यहाँ से जुड़ गया, वेस्टर्न भी इससे जुड़ गया, यहाँ डीएफसी भी है, डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर भी है, आपकी रेल जो है वो अंडरग्राउंड जा रही है चोला तक, चोला जाकर के अमृतसर कलकत्ता लाइन को जोड़ रही है। तो ये जो कंसीव किया गया है, जो सरकार ने कंसीव किया है, उसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी फिल्म सिटी के लिए बहुत बड़ी है और पूरे फिल्म का इकोसिस्टम यहाँ रहेगा। अभी बैरागी जी ने पूछा, आप लोग पूछा कि कैसे अलग रहेगा, और धोनी जी ने और भूटानी जी ने जवाब दिया कि सब कुछ रहेगा। तो एक इकोसिस्टम वो कहते हैं जिसमें सब कुछ समाहित हो जाए, आप खाली स्क्रिप्ट लेके आइए और पेन ड्राइव में अपनी फिल्म लेके जाइए, ये बात आपने कही थी और वही इसका पूरा, और ये आज हम सबके लिए, पूरे प्रदेश के लिए और सरकार के लिए, हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए, मेबी कंपनी के लिए, भूटानी के लिए, आप सबके लिए, आप सब यही रहते हैं, आप सबके लिए बड़ा दिन है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।